अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर वापस से अपने अपने घरों में अल्लाह के ईमान में। तो चलिए मैं बताती हूँ, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें यहाँ पे ली हैं मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास बीफ है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बॉयल्ड है, ये फुल कुक है। अच्छा, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी हरा धनिया, टमाटर, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी जिंजर, हरी मिर्च, लेमन जूस, यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला, काली मिर्च, ऑयल, पानी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दही है मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे नमक है, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, जिंजर गार्लिक पिसा हुआ है मेरे पास, लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है क्रश वाली, और मेरे पास यहाँ पे ये कसूरी मेथी है, सूखी मेथी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमारा ऑन है, कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल, लोहे की कढ़ाई हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे हम मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, हम इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको शामिल करेंगे, इसको अच्छा सा कुक करेंगे। मीट को बॉईल करते हुए बीफ को मैंने उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डाला था, अब शामिल करूंगी इसमें मैं सॉल्ट। हाई फ्लेम करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे कुक। तब तक हम काट लेते हैं अपने टमाटर जो हम इसमें यूज करेंगे। कढ़ाई में डाल रहे हैं तो इसलिए इसको ऐसे थोड़े बड़े स्लाइसेस में यूज़ कर लेंगे। साथ साथ देख लेते हैं हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक हो रहा है, इसमें साथ ही हम शामिल कर देते हैं बीफ। तीन टमाटर है मेरे पास बड़े साइज के, मैं इसमें 3 टमाटर यूज करूंगी। थोड़ा सा जूलियन कट करेंगे हम अपने जिंजर को जो हम इसकी गार्निशिंग में यूज करेंगे। स्किप कर लेते हैं 4-5 हरी मिर्चों को, बस स्लेट करेंगे इसको हम। चलिए बीफ देख लेते हैं अपना। चलिए ये हो गया, इसमें हम डालेंगे टमाटो जो हमने काट के रखे थे। यहाँ करती हूँ कवर 5 मिनट के लिए, कवर करेंगे अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको कवर कर देते हैं। जब इसका ये टमाटर अंदर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। 3-4 मिनट के लिए करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। चलिए व्यूअर्स देखते हैं हम अपने बीफ को, ये देखिए टमाटरों के साथ बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया। चलिए इसमें हम डाल देते हैं हम अपने ड्राई स्पाइसेस। टीस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर का, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसी लाल मिर्च का, 1/4 टीस्पून हल्दी का डाला है मैंने इसमें, 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है बस। अभी यही शामिल करेंगे, काली मिर्च और गरम मसाला हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। अब
अभी तक हमने इसमें पानी यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुने और गले नहीं। सॉल्ट शामिल करूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने सॉल्ट इसमें बीच में भी शामिल नहीं किया था इसको बॉईल करते वक्त। अच्छे से कुक होगा, इसको कवर करूँगी 3 मिनट के लिए कवर करती हूँ ताकि ये बीफ जो हमारा है ये मसालों के साथ और ये सारे स्पाइसेस के साथ जो है ना कवर कुक हो जाए, फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे और इसको करेंगे डाल। चलिए देखते हैं अपने कढ़ाई को, तो देखिए टमाटर इसमें सॉफ्ट हो गए, हम इसमें डालते हैं अब अपनी बाकी की चीज़ें। 4-5 मेरे पास हरी मिर्चें जिनको मैंने सेव कर लिया, जूलियन कट मेरे पास अदरक थी इसको शामिल किया, योगर्ट था मेरे पास 4 टेबल स्पून, योगर्ट डाला। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, मीडियम कर लेती है तेज़ और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई ताकि ये योगर्ट और ये सारा स्पाइस जो है इसके अंदर बीफ के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बीफ तो हमारा ऑलरेडी कुक था, अब बस हम इसको अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और बस इसमें फिर हम लेमन जूस शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, सूखी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसको करेंगे डाल, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च डाल। ये देखें मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी हो रही है रेडी बीफ की, इसमें हम डालेंगे ऑलमोस्ट ये डाल लें, इसमें हम लेमन जूस शामिल करेंगे, 2 लेमन का जूस शामिल करूँगी मैं इसमें। गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर शामिल करूंगी, चटपटी सी बनाएंगे मज़ेदार सी 1/4 टीस्पून, ये चलिए हमारी कढ़ाई बीफ की ऑलमोस्ट डन है। और ये अंदर मिक्स काट लेते हैं यहाँ पे, धनिया पाउडर सॉरी धनिया और थोड़ी सा कसूरी मेथी, ये मेरे पास कसूरी मेथी है ये शामिल करूँगी इसमें, मिक्स करूँगी इसको। देखा कैसा मसाला मज़ेदार सा चटपट लगी है, बहुत चटपट था। हरा धनिया शामिल करूँगी इसमें, हो गई हमारी कढ़ाई डन, चूल्हा करेंगे फ्लेम इसका ऑफ, इसको निकाल लेते हैं हम अपनी सर्विंग डिश में और यही है इसकी फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनके रेडी हो गई, आपके सामने रेडी की मैंने बीफ को, ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया था इसलिए झटपट बन गई, बहुत मज़े की बनी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो भी कर लें। चले मैं यहाँ करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।